हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं गेटिंग टू नो प्लांट्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे स्टेम के बारे में। पिछले वीडियो में मैं प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था। प्लांट को हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था, एनुअल, बायेनियल और पेरिनियल। एनुअल एक सीजन, बायेनियल एक से ज़्यादा सीजन, ठीक है, और पेरिनियल बहुत सारा सीजन। उसके बाद हम लोगों ने प्लांट को और भी बेसिस पे क्लासिफाई किया था। क्या क्या था? शॉर्ट प्लांट, हर्ब, उससे बड़ा प्लांट श्रब्स और सबसे बड़ा प्लांट ट्रीज। उसके बाद हमने पूरे एक प्लांट का फिगर बनाया था। प्लांट का फिगर आज फिर से हम लोग बनाकर उसको रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद कल हम आपको बताए थे रूट के बारे में, रूट के बारे में और रूट के कुछ फंक्शंस के बारे में बताया था और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में बताया था। जैसे बहुत सारे प्लांट का जो रूट होता है मॉडिफाई कर लेता है खाना के लिए, खाना स्टोर करने के लिए, जैसे स्वीट पोटैटो के केस में, रेडिश के केस में, कैरेट के केस में। उसके बाद हम लोग क्या चीज़ के ऊपर बात किए थे? सपोर्ट के लिए क्लाइंबिंग रूट। जैसे क्या चीज के केस में था? पान के केस में बीटल, और किसके केस में? वाटरमेलन केस में। उसके बाद सपोर्टिंग रूट को भी हम लोगों ने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था। एक जो जमीन के ऊपर चलता है उसको क्रीपिंग रूट, जो ऊपर चढ़ता है उसको क्लाइंबिंग रूट, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या बताया था बताइए, याद है? नोट्स को बार बार पढ़िए तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारा हमने मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। वैसे ही आज हम लोग स्टेम के बारे में बात करते हैं। तो एक सुंदर सा आप हम लोग पहले प्लांट बनाते हैं, ठीक है। कॉपी में हेडिंग डालना है स्टेम। क्या डालना है? स्टेम। सुंदर सा हम लोग एक प्लांट पहले बनाते हैं। चलिए बनाते हैं एक प्यारा सा प्लांट। ये क्या है? जमीन। जमीन के नीचे क्या होता है? रूट। रूट से क्या निकलता है? सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट से। कौन सा रूट है? प्राइमरी रूट। सबके बारे में मैं कल आपको बताया था। प्राइमरी रूट से कौन सा रूट निकलता है? सेकेंडरी रूट। फाइबरस रूट के बारे में भी बताया था, किसमें होता है बताइए। एग्जाम्पल 3 को लिख के बताइए तब समझेंगे, ठीक है, तब आपका पढ़ाई हुआ। उसके बाद ये क्या था? मेन एक्सिस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? गंदगी हो गया। चलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? स्टेम। स्टेम पे क्या क्या था याद है सबको? क्या क्या था? लीफ था, लीफ था, बहुत सारा ब्रांचेज निकलेगा स्टेम से, ब्रांचेज निकलेगा। इसमें एक बर्ड भी प्रेजेंट रहेगा, बर्ड, बर्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये क्या है? पत्ता है। ये क्या है? बर्ड है। इसको हम क्या बोल रहे थे? नोड, गांठ बोल रहे थे, नोड। यही सब था। और क्या था? एक फ्रूट भी बना दीजिए, पतला सा, ये है फ्रूट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। स्टेम क्या होता है? मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम का जो मेन एक्सिस होता है उसको हम स्टेम बोलते हैं। ये जो टोटल सिस्टम है, ऊपर का जितना भी पार्ट है यहां तक, इस सबको हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। नीचे वालों को क्या हम लोग बोलते हैं? रूट सिस्टम। सब कल बताया था ये क्या है, रूट सिस्टम। जो लोग नहीं देखे हैं या भूल गए हैं वो देख लीजिए, सब बता ही रहा हूं मैं। मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम क्या है? स्टेम है। मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम, जिसमें क्या क्या है बताइए? शूट में क्या क्या है? ब्रांचेज है। ये क्या है? ब्रांचेज। क्या है? ब्रांचेज है। और क्या है? पत्ता है, बड्स है, लीव्स है, बड्स है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, यही सब है। हो गया?
ब्रांचेज है, लिप्स है, बर्ड्स है, फ्लावर है, फ्रूट है, ठीक है। और फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड भी होगा, सीड्स भी है। चलिए इसको छाप ले दिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, आपको एक इसमें खास चीज नजर आ रहा होगा जिसको हम बोलते हैं नोड। नोड क्या है आखिर ये? चलिए, एक नया टर्म आया है नोड। नोड क्या है? नोड ऐसा पॉइंट है, नोड ऐसा पॉइंट है, नोड ऐसा पॉइंट है, ठीक है। यहां पर क्या था? बड बना हुआ था, और ये क्या है? ब्रांचेज है। नोड ऐसा पॉइंट है, पॉइंट फ्रॉम व्हिच लीव्स एंड ब्रांचेज अराइज। ऐसा पॉइंट जिससे पत्ता निकलता हो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट। इससे क्या हो रहा है? लीव्स अराइज हो रहा है। ऐसा पॉइंट जिससे ब्रांच अराइज हो रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं? नोड बोल देते हैं। नोड, नोड, ठीक है। नोड है, नोड है, नोड है, ठीक है। नोड है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज एंड लीव्स अराइज, ठीक है। और ये जो दो नोड के बीच में डिस्टेंस होता है उसको हम बोल देते हैं इंटरनोड। ये नोड और ये नोड का जो बीच का डिस्टेंस है रेड वाला, उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। डायग्राम बनाते रहिएगा, ऐसा नहीं कि जब कचरा हो जाए तब बनाने बैठिएगा। फिर से बताऊं क्या, इतना जो डिस्टेंस है इसको हम बोल देते हैं इंटरनोड। दो नोड के बीच का डिस्टेंस इंटरनोड। इंटरनोड क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू नोड। इंटरनोड क्या है? इंटरनोड डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। हो गया, डन। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। अब हम लोग एक्जिल के बारे में बात करते हैं। एक नया टर्म आया एक्जिल। एक्जिल क्या होता है? एंगल बिटवीन स्टेम एंड स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है बेस, बेस ऑफ अ लीव। क्या मैं बताया? इस डायग्राम को एक बार कॉपी में बना लीजिए, फिर से हम डायग्राम बना देते हैं, कचरा हो चुका है। बना लिए? चलिए, नोड इंटरनोड समझ में आ गया है। चलिए अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये क्या है? ये वाला जो पोर्शन है ये स्टेम है, स्टेम है, ठीक है। यहां से मान लेते हैं आपका पत्ता अराइज हो रहा है। एंगल बिटवीन स्टेम एंड स्टॉक ऑफ लीफ। ये लीफ का क्या है? बेस है, स्टॉक है लीफ का। स्टॉक का मतलब बेस ऑफ लीफ। एंगल बिटवीन स्टेम एंड स्टॉक ऑफ लीफ, एंगल बिटवीन स्टेम एंड स्टॉक ऑफ लीफ। ये वाला जो एंगल है इसी को हम बोलते हैं एक्जिल। एक्जिल क्या है? ये वाला रीजन, ये वाला एंगल बिटवीन स्टेम एंड स्टॉक ऑफ लीफ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। जो कली होता है बर्ड्स, वो इसी में पाया जाता है एक्जिल में। एक्जिल में पाया जाता है कली। बर्ड्स जो होता है वो एक्जिल में पाया जाता है, और ऐसा बर्ड जो एक्जिल में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्जिलरी बर्ड। एक्जिलरी बर्ड, एक्जिल में पाया जाने वाला बर्ड, एक्जिलरी बर्ड, ठीक है, ठीक है।
कुछ बर्ड ऐसा होता है जो स्टेम के ऊपर पाया जाता है, जैसे स्टेम के ऊपर भी एक ऐसा बर्ड होता है, स्टेम के ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है, स्टेम में, जिसको हम बोल देते हैं एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड का मतलब होता है ऐसा बर्ड जो फाउंड ऑन अपेक्स, जो कि सबसे ऊपर में पाया जाता है, ऊपर में पाया जाता है, ठीक है, ऊपर में पाया जाएगा, टिप ऑफ द स्टेम। कहां पर पाया जाएगा? फाउंड ऑन द टिप ऑफ द स्टेम, स्टेम के टिप पर पाया जाएगा, सबसे ऊपर पाया जाएगा। और यही बर्ड है जो प्लांट के हाइट को इंक्रीज कराता है। इसका काम क्या है? इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट। और यही बर्ड है जो प्लांट के हाइट को इंक्रीज कराता है। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेम, ठीक है, इसको छापिए जल्दी से। छापते रहो छापते रहो। और ये जो एक्जिलरी बर्ड है, यही ब्रांचेज में ब्रांचेज कन्वर्ट होता है और ब्रांचेज देता है। ये जो एक्जिलरी बर्ड है, यही ब्रांचेज देता है, एक्जिलरी बर्ड से ही ब्रांचेज बनता है। लिखिए, इसको छापिए, छाप लिए। अब हम लोग फंक्शन ऑफ स्टेम के बारे में बात। हेडिंग डालिए फंक्शन ऑफ स्टेम। फंक्शंस ऑफ स्टेम, फंक्शंस ऑफ स्टेम, ये क्या होता है इसका फंक्शन? रूट का फंक्शन क्या था? जमीन से प्लांट को पकड़ के रखना। और स्टेम का फंक्शन, स्टेम का फंक्शन है कीप द प्लांट अपराइट, प्लांट को ये खड़ा करके रखने में मदद करता है, सीधा खड़ा करके रखने में, स्ट्रेट प्लांट को रखने में मदद करता है। क्या चीज? स्टेम। और इसका काम होता है वाटर और मिनरल को कंडक्ट कराना, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना, मतलब रूट से जो वाटर और मिनरल आएगा उसको सब जगह मूव करवाना, ठीक है, रूट से जो वाटर और मिनरल आएगा वो पत्ता तक पहुंचाना, लीफ तक पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद प्लांट का जो खाना बनता है वो पत्ता में बनता है, तो पत्ता से जो खाना बनेगा वो खाना पूरे जगह पहुंचाएगा, कैरी द फूड मैन्युफैक्चर बाय द लीव्स। और क्या काम होगा? कैरी द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स, जो पत्ता बनाएगा वो पत्ता से जो खाना बनेगा उसको हर जगह पहुंचाएगा। जैसे रूट मॉडिफाई हो रहा था खाना स्टोर करने के लिए, वैसे ही स्टेम भी मॉडिफाई होता है खाना को रखने के लिए। स्टेम ऑल्सो मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, स्टेम जो होता है वो भी मॉडिफाई कर जाता है खाना को स्टोर करने के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? आलू, पोटैटो, पोटैटो, लहसुन, गार्लिक, जिंजर, अदरक, ठीक है, इसको छापिए। ये नहीं मार दीजिएगा कि पोटैटो जमीन के नीचे रहता है तो वो रूट ही होगा हमेशा, नहीं होगा, रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है।
ठीक है, गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। हेडिंग मारिए कॉपी में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का क्या मॉडिफिकेशन होता है? स्टेम का मॉडिफिकेशन, सबसे पहला जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है वो है फूड को स्टोर करके रखना। क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, खाना को स्टोर करके रखना, स्टोरेज ऑफ फूड। स्टेम कहाँ चला जाता है? इस केस में स्टेम जमीन के अंदर में चला जाता है, स्टेम ग्रो अंडरग्राउंड। आलू का जो पेड़ होता है, आलू का जो स्टेम होता है वो जमीन के अंदर ग्रो करता है और वो खाना को स्टोर करके रखता है, स्टोर्स फूड, खाना को स्टोर करके रखता है। इसका एग्जांपल है ट्यूबर इन आलू, पोटैटो में ट्यूबर होता है। जैसे मान लीजिए ये आलू है तो इसमें आंख जैसा जो दिखता है वो क्या है? ट्यूबर है, ट्यूबर किसमें? पोटैटो में। आलू का मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, दो बार गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद राइजोम इन जिंजर, अदरक में राइजोम पाया जाता है, जैसे अदरक है जिंजर, और अदरक के ऊपर स्केली लीफ भी होता है, पत्ता जैसा स्केली लीफ होता है, पत्ता जैसा स्केल इस पर पाया जाता है, ठीक है, स्केली लीफ, ठीक है। और इसमें भी बड पाया जाता है, यह क्या है? स्केली लीफ। अदरक के केस में, अदरक के केस में क्या होता है? राइजोम होता है, और हल्दी में भी राइजोम ही होता है, एंड हल्दी, हल्दी को क्या बोलते हैं? टर्मरिक, डिको टर्मरिक, याद आ गया। चलिए इसको छाप लीजिए, छाप लिए। बहुत सारा ऐसा प्लांट होता है जिसमें स्टेम ग्रीन कलर का हो जाता है, इन सम प्लांट स्टेम्स बिकम ग्रीन, टू प्रिपेयर प्लांट्स फूड। सेकेंड है मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। बहुत सारा प्लांट में स्टेम खाना बनाता है, स्टेम कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है, स्टेम बिकम्स ग्रीन। आपको एक चीज पता होगा, जो भी चीज ग्रीन होता है वो अपना, जो भी ग्रीन प्लांट होता है वो अपना खाना खुद से बना लेता है। तो इस प्लांट में क्या होता है? बहुत सारा ऐसा प्लांट होता है जो डेजर्ट में पाया जाता है, उसका जो स्टेम वाला पोर्शन होता है वो ग्रीन हो जाता है ताकि वो खाना बना ले, ठीक है, और उसमें लीफ नहीं पाया जाता है, जैसे कैक्टस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? स्टेम ग्रीन हो जाता है और ये फूड प्रिपेयर करने लगता है, खाना बनाने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? खाना बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? भूल गए? फोटोसिंथेसिस। कभी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो जान लो अभी। ये होता कहाँ है? कैक्टस के केस में। कैक्टस कहाँ पर पाया जाता है? कैक्टस फाउंड इन डेजर्ट, डेजर्ट में पाया जाता है कैक्टस, डेजर्ट एरिया में, ठीक है। अब आता है स्टेम टेंड्रिल। बहुत सारा प्लांट का स्टेम ऐसा होता है जो टेंड्रिल की तरह होता है, किसी में लपेट लेता है, क्वाइल्स अराउंड दी सपोर्ट, वो जो सपोर्ट होता है उसके चारों तरफ क्वाइलिंग कर देता है, क्वाइल्स अराउंड दी सपोर्ट। कोई भी सपोर्ट जहां मिलेगा उसके चारों तरफ वो क्वाइलिंग कर देगा, ऐसे ऐसे लपेट लेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, कहां गया मार्कर सब भाई? चलिए जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट मिला, ठीक है, ये सपोर्ट है, ये प्लांट यहां पर है, प्लांट यहां पर है, तो ऐसे 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 क्वाइलिंग कर लेगा, या ऊपर की ओर क्वाइलिंग कर लेगा, कहीं भी क्वाइलिंग कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही जहां सपोर्ट देखेगा वहां वो क्वाइलिंग कर देगा,
तो इसी को बोला जाता है स्टेम टेंड्रिल, ऊपर वाला पोर्शन स्टेम वाला पोर्शन क्वाइलिंग कर देगा, ठीक है, क्वाइल सराउंड द सपोर्ट, क्वाइल सराउंड द सपोर्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, ग्रेप वाइन, ठीक है, इसको छाप लीजिए। क्या कर रहा है, किसी भी सपोर्ट के ऊपर वो क्लाइम कर रहा है, प्लांट के ऊपर कर सकता है, घर उर के ऊपर भी कर लेता है, जनरली प्लांट के ऊपर ये क्लाइम करता है, क्लाइंबिंग करता है, ठीक है। और भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम से हम लोग बहुत सारा प्लांट भी बनाते हैं, स्टेम को काट काट कर अलग अलग प्लांट बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेम कटिंग मेथड। क्या बोलते हैं, स्टेम कटिंग। फोर्थ है फॉर मल्टीप्लीकेशन। चलिए मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टेम को काट काट कर बहुत सारा प्लांट बनाते हैं, स्टेम कटिंग करते हैं हम लोग, ऊपर वाला जो प्लांट का पोर्शन होता है उसी को काट काट कर अलग अलग हम लोग न्यू प्लांट ग्रो करवाते हैं, स्टेम कटिंग करके न्यू प्लांट्स ग्रो करवाते हैं। क्या चीज के केस में देखा जाता है, जनरली गुलाब के केस में, जास्मिन के केस में, ठीक है, गुलाब जास्मिन, हिबिस्कस सबके केस में देखा जाता है। और बहुत सारा ऐसा प्लांट होता है जिसमें स्टेम जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। स्टेम में क्या होता है, कांटा निकल जाता है, स्टेम में थॉर्न निकल जाता है, स्टेम में क्या हो जाता है, थॉर्न निकल जाता है, कांटा, जैसे रोज प्लांट में स्टेम से कांटा निकल जाता है ताकि उसको कोई जानवर पकड़ कर खा ना ले, ठीक है। यहीं पर आपका स्टेम समाप्त होता है, अगले लेक्चर में हम लोग पत्ता के बारे में पढ़ेंगे, लिप्स के बारे में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।